कभी नहीं सोचे थे ऐसा बनेगा। अच्छा, इससे आप खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश है, वाह। इससे पहले 8 घंटा और 2 घंटा, बताइए कितना डिफरेंस है या कितना अंतर है। अगर पटना आते हैं तो पटना आपको नहीं लगेगा, लगेगा मुंबई आ चुके हैं हम। बन गया था हमारे पटना जिला मुंबई से कम नहीं है। आप सबका, आपका भाई फिर से पहुंच गया है एक मरीन ड्राइव पे, पटना का मरीन ड्राइव जो बन के रेडी हो चुका है। आप पिछले ब्लॉग में दिखाए थे कि पटना का मरीन ड्राइव अभी उद्घाटन नहीं हुआ, उस समय अभी बन ही रहा था, तो आज बन के रेडी हो चुका है। उद्घाटन होने का समय का डेट बढ़ चुका है, तो अभी हम पहुँच चुके हैं। यहाँ का जो कनेक्टिविटी है पूरी तरीका से बन चुका है और पटना वासियों का एकदम काफ़ी सुनहरा मौका मिला है, खूबसूरत ऐसा मिला है कि काफ़ी खुश होने की बात है कि यहाँ से हर सुविधा 5 मिनट में आप कहीं पे भी जा सकते हैं, पटना में इन कर सकते हैं। ये ऐसा एक मरीन ड्राइव बना है, ऐसा एक रोड बना है, हाईवे नेशनल एकदम पूरा पूरी तरीका से। देखिए अभी अभी हम यहाँ पे हैं, यहाँ से देखिए जेपी सेतु पुल और कहाँ है सोनपुर जाने का रास्ता है और बीटा जाने का रास्ता है। आइए, जो अभी हम खड़ा हैं ये अटल पथ पे जो आर ब्लॉक जंक्शन की ओर जाती है, तो अभी यहाँ का हम कनेक्टिविटी दिखाते हैं आपको पूरा ऊपर से कि यहाँ से दीदारगंज कितने किलोमीटर है। 21 किलोमीटर है दीदारगंज, आप 5 मिनट में पहुँच सकते हैं, इतनी तेज हाईवे यहाँ पे बनी हुई है। तो कैसा लग रहा है जो बना? अच्छा है, लग रहा, सभी लोग बहुत खुश हैं, सभी लोग खुश है। चलिए अंकल जी बहुत खुश है इस वाक्य में, तो खुश तो रहना ही चाहिए यार। यहाँ पे काफी एंजॉय भी करने आते हैं, काफी मस्ती भी करने आते हैं और अच्छा लगता है यहाँ पे मरीन ड्राइव पे। देख रहे हैं यहाँ बस स्टैंड, विमान, पटना जंक्शन यहाँ से 9 किलोमीटर है, आर ब्लॉक है 7 किलोमीटर, तो 5 से 3 मिनट के अंदर आप आर ब्लॉक जंक्शन जा सकते हैं। यहाँ पे इतनी कहीं रोक ठोक नहीं, कहीं जाम ताम नहीं, बेहिचक एकदम जा सकते हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पे अटल पथ पे मरीन ड्राइव पे घूम रहे हो तुम लोग, खतरनाक लग रहा है, देख लीजिए, कह रहा है खतरनाक लग रहा है। ये देखिए देखिए क्या गजब कास्टिंग किए हैं ये मरीन ड्राइव पे, वाह छोटू वाह गजब। तो कभी ऐसा सोचे थे कि ये ऐसा बनेगा मरीन ड्राइव? कितनी खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, कभी नहीं सोचे थे ऐसा बनेगा। अच्छा, इससे आप खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश है, वाह। इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है पटना वासियों के लिए, मतलब कनेक्टिविटी इतनी तागड़ी है कि मतलब पटना इन करेंगे तो 5 मिनट के अंदर पटना चल जाता है। पहले इतनी जाम में परेशानी होती थी, सबकी परेशानी होती थी जाम में, अगर PMCH हॉस्पिटल जाना है तो आप 5 मिनट में जा सकते हैं। दो सब ये जो ये मशीन दिखाइए, अच्छा हम ही इसको चलाए हैं, रोड ये हम ही बनाए हैं। अच्छा, ये वो जो मशीन दिख रहे हैं भैया, मशीन चलाए हैं, रोड बनाया है, वही बात कर रहे हैं। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? छपरा जिला। छपरा जिला, तब तो आप छपरा के
कितना मिनट में आप पहुंच सकते हैं? पहले देखिए, पहले हम लोगों को गांधी सेतु से आने के लिए कम से कम 8 घंटा 12 घंटा, बाप रे 8 घंटा लग जाता था। 2 घंटा 1.5 घंटा में आदमी पहुंच जाता है घर पे। अब 2 से 1.5 घंटा, पहले 8 घंटा और 2 घंटा, बताइए कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है। ये हमारे बिहार राज्य में ऐसा लग रहा है कि अगर पटना आते हैं तो पटना आपको नहीं लगेगा, लगेगा मुंबई आ चुके हैं हम। क्या लगेगा ना? बहुत अच्छा काम किए, सब लोग काफी खुश है, तो खुशी तो होनी चाहिए और अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो कितना खूबसूरत मरीन ड्राइव है, मुंबई से कम नहीं है हमारे पटना जिला। तो कभी अगर मौका मिले तो पटना का भ्रमण जरूर कीजिए और खास करके मरीन ड्राइव का भ्रमण कीजिए। और अभी हम जो रिंग रोड का नज़ारा दिखाए थे, अभी रिंग रोड के पास खड़े हैं और पीछे गोलंबर है और पीछे दीघा का फोर लेन है, जो दीघा पुल बना है जो हाजीपुर और सोनपुर चला जाता है और मुजफ्फरपुर चला जाता है। अब कहीं भी जाने के लिए देर नहीं है, हमारे पटना जिला में काफ़ी खूबसूरत है। और पीछे का नज़ारा देख रहे हैं कितना खूब, इधर भी देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, कितना हवा आ रहा है एकदम, गंगा जी का हवा, नेचुरल हवा। हमारे साथ छोटू भाई है, छोटू कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? छोटू कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, कर रहे हैं, तो मैं उनसे कुछ बात करता हूँ। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आना, पहली बार आए होंगे इन लोग तो। हेलो भैया, हेलो, कैसे हैं आप लोग? हेलो हेलो हेलो, किनका बर्थडे है जी? बर्थडे किनका है भैया? हेलो हेलो, हैप्पी बर्थडे ब्रो। अरे बर्थडे बॉय है, यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं गंगा पथ पे, मरीन ड्राइव पे। तो यहाँ पे आने, यहाँ पे मरीन ड्राइव आए तो कैसा लग रहा है आपको? कभी ऐसा सोचे थे कि मरीन ड्राइव हमारे पटना जिला में बनेगा? तो कभी भी बाहर के लोग को बता सकते हैं कि ये पटना नहीं, मुंबई से भी कम नहीं है। गजब नज़ारा यहाँ का, नेचुरल हवा, गंगा जी का नेचुरल हवा, मुंबई बन गया था हमारे पटना जिला, मुंबई से कम नहीं है। एंजॉय कर रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ मरीन ड्राइव पे गंगा पथ पे, तो गजब का नज़ारा है यार। मैं हमेशा जब भी आता हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा मोमेंट रहता है इस मरीन के। यहाँ का कनेक्टिविटी हम अटल है, ये जो गंगा पथ है ना, गंगा पथ से चलते चलते हम पहुँच चुके हैं गांधी मैदान। गांधी मैदान का कनेक्टिविटी हम आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ से जा रहे हैं एनआईटी घाट, एनआईटी घाट में कुछ साथी लोग हैं, इंतजार कर रहे हैं मेरा, तो चलते हैं उनसे मिलने के लिए। यहाँ का जो कनेक्टिविटी है ना, जो गांधी मैदान का नीचे का जो कनेक्टिविटी बना है, काफ़ी लाजवाब और खूबसूरत।